Hey guys, welcome back to another vlog video. तो guys, आज मैं सोनम और मेरी क्यूटी भाई हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट मनोना धाम दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों ये जो मनोना धाम है वो काफ़ी पावन और पवित्र स्थल है, तो यहाँ पे आप लोग जरूर जाइए। तो उसी जगह पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे ये जो मनोना धाम है वो खाटू वाले श्याम को समर्पित मंदिर है वहाँ पे, और वहाँ पे एक ओमेंद्र महाराज जी हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी तरीके की बीमारी लेके जाता है तो ओमेंद्र महाराज जी के छूते ही वो बीमारी ठीक हो जाती है। तो उसी मनोना धाम में आप लोगों को लेके चल रहे हैं। सो लो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं मनोना धाम, और आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं ये बड़ा सा गेट है जहाँ पे आप लोग इस गेट से एंटर होते हुए आप लोग जाएंगे मनोना धाम के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इधर साइड में आप लोग को कुछ इस तरीके से दुकान वगैरह मिल जाएंगे, और ये एक रोड मिलेगी इधर से जहाँ से आप लोग अपने वाहन से, खुद के वाहन से आ सकते हैं, और यहीं पे बस वगैरह भी आती हैं। और इधर साइड में देखो आप लोग जो है बोर्ड लगा हुआ है, इस तरीके से मिल जाएगा। और ये जो गेट है एक बन रहा है अभी, और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दुकान वगैरह मिल जाएंगी जहाँ से आप लोग धागा वगैरह यहाँ से ले सकते हो। और ये बस खड़ी है जो मनोना धाम के लिए जाती है, और ये देख सकते हैं ये बड़ा सा गेट बनाया जा रहा है। तो ये रिसेंट में नया गेट जो है तैयार किया जा रहा है, तो जो है काफ़ी ज़्यादा इस जगह को और भी खूबसूरत बनाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जरूर आइए मनोना धाम, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी लोकेशन है, आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। अभी मैं अंदर चलेंगे और अंदर आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पे मनोना धाम के लिए जाते तो यहाँ पे आप लोग को ई रिक्शा टीटी वगैरह मिल जाती हैं, तो इनके ज़रिए आप लोग अंदर की तरफ जा सकते हैं। तो गाइस चलो चलते हैं अब मनोना धाम अंदर। और यहाँ से लगभग कोई आधा एक किलोमीटर पड़ेगा धाम। गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे जो आप लोग एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को बसें मिल जाती हैं, जो बस आती हैं यहाँ पे टूरिस्ट के लिए, तो यहाँ पे वो रुकती हैं, और यहाँ पे ही आप लोगों को ढाबा मिल जाते हैं जहाँ पे आप लोग खाना पीना यहाँ से खा सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी जो गाड़ी है वो इधर खड़ी कर दी है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को दुकानें मिल जाती हैं प्रसाद की, तो यहाँ से आप लोग प्रसाद ले सकते हैं। और जितनी भी आप लोग यहाँ पे दुकानें देख रहे हैं, तो यहाँ पे सारी की सारी जो प्रसादी की दुकानें हैं, तो आप लोग यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। और अंदर चलेंगे मंदिर में, और ये जो मंदिर है हमारे खाटू वाले श्याम को समर्पित है, तो अंदर हम आप लोगों को दर्शन कराएंगे मनोना धाम। ठीक है, क्या नाम है उनका? धूप बत्ती वगैरह ओवेंद्र। ओवेंद्र, अच्छा। धूप बत्ती वगैरह लगाते रहे वहाँ बचपन से चले गए। अच्छा, कहाँ पे चले गए? फिर जो थान बना हुआ है यहाँ पर राजस्थान। अच्छा, राजस्थान चले गए। हाँ हाँ, फिर यहाँ पर धूप बत्ती लगाते रहे करीब। अच्छा अच्छा, करीब एक साल भर तक यहाँ पर लगाई। अच्छा भाई, जो है बाबा यही विराजमान हुए। हाँ हाँ, मतलब उन्होंने, उनको सिद्धि प्राप्त हो गई है। हाँ जी जी, मतलब उन्होंने, मतलब उतनी मेहनत की और पूजा पाठ की है तो उनको सिद्धि प्राप्त हो गई, ये सीन है। फिर अभी यहाँ पे कोई मरीज वगैरह आते वो बताते ठीक हो जाते हैं। हाँ ठीक हो जाते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसा भी मैंने सुना है एम्बुलेंस वगैरह भी आती है। हाँ, आती नहीं है। अच्छा, आती है। और ये यहाँ पे मतलब ऐसा ही रहता है कि भीड़ भी कभी होती है किसी दिन? ये एकादशी बारह दिन तो आपके लिए टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा, लाइन वहाँ तक रोड तक लगती है, जब पूरी लाइन लगती है। तो खैर भीड़ है ही नहीं, तो यहाँ पे सही के जाता है, सही होके जाता है, यही है ना मेन चीज़ है ना जी। सो गाइस यहाँ पे मैंने जो अपना प्रसाद है वो ले लिया है, और जो मूर्ति है खाटू वाले श्याम की वो भी यहाँ पे ले ली है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग जाएंगे मनोना धाम के लिए, तो यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरीके से कच्ची रास्ता मिलेगी अभी फिलहाल के लिए, लेकिन क्या है कि अभी ये रास्ता जो है कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चल रहा है, और कुछ दिन बाद आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को पक्की जो रास्ता है वो मिलेगी, और यहाँ पे दुकानें वगैरह भी बन रही हैं। लो हमारे पीछे देख रहे हैं ये मनोना धाम मंदिर है, और यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत सारी जो दुकानें हैं प्रसाद की वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये देखो मंदिर है जहाँ पे आप लोग मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए जाएंगे, और इधर भी आप लोगों को दुकानें मिल जाएंगी। पीछे साइड में गाड़ियों की पार्किंग है, वहाँ पे आप लोग अपनी गाड़ियों की पार्किंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं जगह, यहाँ पे लोग आते हैं और मन्नत का जो धागा है वो यहाँ पे बांधते हैं।
दोस्तों ये जो मंदिर देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसी जगह पे विराजमान हुए थे ओमेंद्र बाबा। और यहाँ पे कोई भी आता है इस मंदिर में दर्शन करने के लिए तो वो जो है ठीक होके जाता है अगर कोई भी उसको दिक्कत होती है। तो ये भी मंदिर जो है बनाया जा रहा है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है और इसके बाद यहाँ पे इसकी फिनिशिंग वगैरह होगी, कलर वगैरह होंगे, फिर आप लोगों को ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखने के लिए मिलेगा। खैर इधर साइड में आप लोग जो देख रहे हो यहाँ पे भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पे लगी हुई है दर्शन करने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा खड़े हैं। और इधर साइड में आप लोग देखो यहाँ से ये रास्ता है, तो इस रास्ते से आप लोग होते हुए जाएंगे तो यहाँ पे भी आप लोग अपने जो मन्नत के धागे हैं वो यहाँ पे बांध सकते हैं, ठीक है, बाहर भी बांध सकते हैं। और ये अंदर है तो अंदर भी आप लोग यहाँ पे बांध सकते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे भी कई लोगों ने मन्नत के धागे बांधे हैं। खैर मैं यहाँ पे अपनी स्लीपर उतार देता हूँ। इधर साइड में आप लोग जो देख रहे हो यहाँ पे आप लोग अपनी आते हैं तो धूप बत्ती वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो। और इधर साइड में देखो आप लोग ये भी जो है धागे यहाँ पे बंधे हुए हैं और कई लोग आते हैं अपनी मन्नत के जो धागे हैं वो बांधते हैं, साथ में जो खाटू वाले श्याम के झंडे हैं वो भी लगाते हैं। और ये देखो कितना ज़्यादा प्यारा व्यू है यहाँ पे। सबसे पहले आप लोग आते हैं तो यहाँ पे आप लोग अपना धागा वगैरह बांध दीजिए मन्नत का, फिर इसके बाद धूप बत्ती लगा के फिर आप आगे की तरफ जाइए। चलिए पहले लगाते हैं धूप बत्ती फिर चलते हैं आगे। तो गाइस ये जो आप लोग जगह देख रहे हैं यहाँ पे बैरियर, तो यहाँ पे ये क्या है कि जब भीड़ ज़्यादा होती है तब यहाँ पे इन बैरियर को यूज़ किया जाता है। और अभी क्या लकड़ी के बांस के बनाए गए हैं, फिर कुछ दिन बाद ये स्टील के बनाए जाएंगे। और ये देखो आप लोग पूरे बैरियर हैं, जब भीड़ होती है यहाँ पर तब यहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी क्या है भीड़ नहीं है इसलिए मैं इधर से ही निकल जाऊँगा सीधे और फिर इसके बाद दर्शन करेंगे। इस यहाँ पर आप लोगों को वाटर कूलर भी मिल जाते हैं जहाँ पर आप लोगों को ठंडा पानी मिलेगा, जहाँ आप लोग ठंडा पानी यहाँ पर पी सकते हो। ये जो आप लोग रास्ता देख रहे हैं यहाँ पे, इस रास्ते से होते हुए जाएंगे अंदर और यहाँ पे बाथरूम वगैरह है लेडीज़ पुरुष का, जहाँ पे बाथरूम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये मनोना धाम का सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग सेल्फी ले सकते हैं अपनी, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और ये है भाई यहाँ पे व्यू चारों तरफ का, आप लोग देख सकते हैं इधर साइड में जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हुई हैं और इधर साइड में भी गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हुई हैं। गाइस इधर चल रही है आरती, दोस्तों सामने देख सकते हैं ये महंत ओमेंद्र महाराज जी हैं जो भक्तों को बाहर प्रसाद और जल देने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे जितने भी भक्त यहाँ पे खड़े होते हैं सभी को जल और प्रसाद देते हैं। गाइस हमने जो है यहाँ पे जो अपना आरती है वो कर ली है और हमारी जो फाइनली आरती कंप्लीट हो चुकी है। तो 6:30 बजे आरती स्टार्ट हो जाती है ना, 6:30 बजे आरती स्टार्ट हो जाती है और आप लोग आते हैं मनोना धाम तो 6:30 बजे की आरती आप लोग जरूर लीजिए, ठीक है। और ये देख सकते हैं सारे भक्तों की जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा उमड़ी हुई है और इधर साइड में देखो जो गाड़ियाँ वगैरह हैं वो खड़ी हुई हैं और इधर साइड में देखो कितने सारे जो भक्त हैं वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो खैर मनोना धाम दर्शन करने के लिए आए हैं, गर्मी है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन भाई जो भी है दर्शन करके ही जाएंगे। हमारी जो आरती है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लाइन में लगेंगे। जो आप लोग इधर साइड में लाइन देख रहे हैं टोटल लाइन है, तो चलेंगे और फिर दर्शन करेंगे। गाइस ये जो आप लोग देख रहे हैं बांस के बैरियर, तो इन बैरियर से आप लोग अंदर की तरफ जाएंगे और ऊपर साइड में देख सकते हैं छाया के लिए व्यवस्था है, जहाँ पर धूप में आते हैं तो आप लोग को धूप नहीं लगेगी। और ये जो आप लोग बांस के देख रहे हैं कुछ दिन बाद यहाँ पे स्टील के बैरियर लगाए जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं जो सारे जो भक्त लोग हैं
वो अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। प्लीज़ बोलिए हरे के सारे बाबा खाटू वाले श्याम की जय हो। तो गाइस अभी क्या है कि इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, उसकी वजह से आराम से दर्शन हो पाएंगे। लेकिन जब भीड़ होती है ना यहाँ पे, पूरी जो बैरियर आप लोग देख रहे हैं पूरा बैरियर भर के चलता है कचाकच, और बाहर भी जो भीड़ है वो मिलती है बहुत ज़्यादा। जहाँ पे आप लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन जिस टाइम मैं आया हूँ उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे भीड़ जो है बनौना धाम में बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है। तो चलिए जैसे सोनम आ जाती है फिर मैं अंदर चलेंगे। तो लोग गाइस फाइनली आ चुकी हैं सोनम। कितने पार किए होंगे? लगभग 10-12 पार कर लिए होंगे हैं। गाइस ये देखो आप लोग, भीड़ लगी है कितनी सारी लाइन में। और तो दोस्तों लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे लाइन में लगे फाइनली पहुंच जाते हैं मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दर्शन लाइन से होते हैं, और यहाँ पे आप लोग जब मंदिर में जाएंगे तो यहाँ पे ओमेंद्र महाराज जी की फ़ोटो लगी मिलेगी, और यहाँ पे और भी देवी देवता की जो फ़ोटो हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो गाइस दर्शन करके जो है आ चुके हैं फाइनली, और टाइम हो रहा है 8 बज चुके हैं। 8 बजे दर्शन करके बाहर निकल के आया हूँ, और काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके, और मेरे दर्शन भी अच्छे से हो गए। तो अब मैं आप लोगों को और जो जगह है वो आप लोगों को दिखाते हैं, और जो बाबा बैठते हैं जो महाराज जी, तो उनकी लोकेशन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखो आप लोग जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इधर साइड में आप लोग देखो, इधर साइड में भी दुकानें हैं, और इधर साइड में हैं आप देख सकते हैं दुकान है। गाइस ये जो आप लोग लाइन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये लाइन लगी है जो गुरु जी हैं महाराज जी उनके दर्शन के लिए, और काफी ज्यादा लंबी लाइन है यहाँ पे लगी हुई है। जो लोग हैं यहाँ पे जा रहे हैं फिर इसके बाद राउंडिंग मारते हुए पहुंचेंगे दर्शन के लिए। और मैं उधर से जो आया था वो दर्शन अंदर मैंने कर लिए थे खाटू वाले श्याम के, ठीक है। और ये वाली लाइन आप लोगों को क्रॉस करके जानी पड़ेगी, फिर आप लोग महाराज जी के दर्शन में वो कर पाएंगे। तो गाइस अब हमने जो है दर्शन कर लिए हैं, और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में वापस, क्योंकि अंधेरा भी हो चुका है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग मनोना धाम आ जाते हैं तो आप लोग रात के टाइम पे स्टे कहाँ पे करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास ज़्यादा बजट नहीं रहता है, पैसे नहीं रहते हैं ज़्यादा, तो आप लोग मंदिर पे ही रुक सकते हैं। मंदिर पे जो दुकानें वगैरह रहती हैं प्रसाद वगैरह की, तो वहीं पर आप लोग रुक सकते हैं, वहाँ पर आप लोग अपना आराम कर सकते हैं, लेट सकते हैं, सो सकते हैं। और यहीं पर आप लोग को बाथरूम वगैरह की भी व्यवस्था मिल जाती है, पानी वगैरह की भी व्यवस्था मिल जाती है, तो आप लोग यहाँ पर नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप लोग के पास बजट है और आप लोग चाहते हैं कोई होटल, तो आप लोग को होटल भी मिल जाएगा, और यहाँ पे आप लोग को नजदीकी धर्मशाला भी मिल जाएंगे। तो धर्मशाला में आप लोग के बजट के अनुसार आपको जो है रूम यहाँ पे मिल जाएगा 400 से लेकर 500 रुपए 600 रुपए। और इसके बाद और भी अच्छा आप लोग को रूम चाहिए तो आप लोग को 1000-1200 रुपए का रूम आराम से मिल जाएगा। गाइस अभी मैं रेस्टोरेंट पे आ गया हूँ और यहाँ पे खाना खाऊंगा। तो गाइस रेस्टोरेंट में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं ऑर्डर करता हूँ खाना, फिर खाना खाएंगे फिर हम निकलेंगे रूम के लिए। दृष्टि क्या हुआ?
हम दोनों का, तुम्हारा भी तिलक मिट गया है पर हमारी लली का नहीं मिटा है। तो गाइस फाइनली आ चुका है हमारा खाना, तो चलिए खाते हैं खाना को। तो गाइस हमने जो है खाना खा लिया है और टाइम हो रहा है भाई 10 बज रहे हैं। मैं आ चुका हूँ वापस अपने कार के पास, अब होटल देखेंगे जहाँ पे कोई रूम मिले बजट का अच्छा सा। गाइस फाइनली मैं आ चुके हैं अपने रूम पे और मैंने ले लिया है रूम, और मनोना धाम में ही है एसएस होटल, तो वहाँ पे लिया है। तो गाइस ये क्या है कि मैरिज होम भी है और साथ में ये लोग जो है होटल का भी काम कराते हैं। तो यहाँ पे अगर रूम चाहिए आप लोगों को तो यहाँ पे एसएस होटल में आप लोग को अच्छे और लग्जरी रूम मिल जाएंगे। तो दोस्तों मनोना धाम आप लोग दर्शन करने के बाद आप लोग अच्छे बजट का होटल चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। और ये मेरा जो रूम है 1200 रुपये का रूम है, तो अच्छा खासा रूम है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी जो फिनिशिंग वगैरह है वो बढ़िया है और एसी वगैरह है, एलईडी वगैरह है, सारी व्यवस्थाएँ बढ़िया है। तो खैर गाइस इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए इस ब्लॉग को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा और मनोना धाम जो है वो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों हमारा ब्लॉग पसंद आया हो और आप लोगों को ये मनोना धाम पसंद आया हो तो प्लीज़ इसी बात पे कर दीजिए वीडियो को एक लाइक और शेयर, और चैनल पे पहली बार आए हैं और ऐसे और ब्लॉग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उसे जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि मैं अपने इस चैनल पर कोई भी ब्लॉग अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो गाइस मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। खैर गाइस अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।